मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विश्ववार 30 शिक्षा सदन मिया चौरस्ता के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 9 का मैथमेटिक्स का क्लास है। एक्सरसाइज 13.2 है, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 216। क्वेश्चन है, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर ऑफ द बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यानी एक पाइप है इस तरह का, इस पाइप का लंबाई दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। उसके बाद इनर डायमीटर का मतलब ये पाइप कुछ मोटा होगा, तो यहां से यहां तक का लंबाई आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, और आउटर डायमीटर दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो आपको ये तीन चीज निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का लंबाई आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक रेडियस बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया। हाइट जो है 77 सेंटीमीटर है। तो द इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में आप मान बैठेंगे, मान बैठाने के बाद 2 पाई 22/7, आर की जगह 2, एच की जगह 77, काट दीजिए इतना हुआ। तो इनर जो है कर्व सरफेस आ गया। उसी तरह आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर, माने आउटर डायमीटर का मतलब हुआ यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा लंबाई दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। आपको आउटर रेडियस का जरूरत है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का आपको लंबाई जरूरत है। तो इसमें 2 से भागा दे दिए, तो 2 से भागा दिए तो 2.2 सेंटीमीटर। तो आउटर कर्व सरफेस यानी बाहर का ये जो दीवार है इसका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा 2πRh से फॉर्मूला से ही। तो 2 22/7 गुणे, यहां पर देखिए आउटर रेडियस 2.2 होगा, आ गया इतना सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको निकालना है टोटल कर्व सरफेस एरिया। टोटल कर्व सरफेस एरिया में निकालने में क्या करना है कि इनर कर्व सरफेस एरिया आउटर कर्व सरफेस एरिया दोनों को जोड़ दीजिए, और प्लस ए वाला भी जोड़ना पड़ेगा। देखिए ए वाला जो एरिया है इसका पाइप का मोटाई, इधर ये वाला, तो इसका ये दोनों के एरिया निकालने के बाद दोनों में जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए ऊपर पाइप का ये क्या है, रेडियस है, ये सर्किल है, अंदर में भी एक छोटा सर्किल है, आइए इसका मोटाई है। तो पर अगर हमको इसका, इस सर्किल का आपको रेडियस निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, ये बड़ा, जैसे कि बड़ा वाला बाहर वाले का अगर हमको एरिया निकालना तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर 2² हुआ कि नहीं बाहर वाले का, अंदर वाला क्या होगा πr1², तो πr2 स्क्वायर में से πr1² अगर हम माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा, इसीलिए ये मिल जाएगा। अब इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, एरिया ऑफ द बोथ एंड्स ऑफ द पाइप, पाई आर टू स्क्वायर बड़ा वाला सर्किल का एरिया और माइनस छोटा वाला सर्किल, अंदर वाला सर्किल का एरिया माइनस कर दिए, तो ये बीच में जो बचा है, ये जो बचा है उसका एरिया निकल गया। उसमें 2 से गुना इसलिए किया है क्योंकि ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो हमको ये एरिया निकल गया इतना। मान बैठाना है इसमें 2/22, मान बैठाने के बाद इतना आएगा। अब ये हो गया ये दोनों किनारे का क्षेत्रफल, यहाँ पर है आपका ये आउटर कर्व, इनर कर्व सरफेस एरिया, ये आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों किनारों का एरिया। अब तीनों को जोड़ दीजिए टोटल सरफेस एरिया, तो तीनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल दूसरे वीडियो में होगा, लेकिन कल से आपका लाइव क्लास चलेगा, लाइव क्लास आपका 8:30 बजे
9 क्लास का चलेगा।